आखिर क्यों आपको इस क्यूट से जानवर से दूर रहना चाहिए और क्यों डॉक्टर्स को वीडियो गेम खेलना चाहिए और रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के टोटल कितने तरीके होते हैं? अगर आपने इस वीडियो को फुल नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। फैक्ट नंबर 6, तो ये है एडगर एलन पो, जो अमेरिका के जाने माने राइटर थे और एक आदमी ने एक कैटरपिलर ढूंढी जिसके ऊपर एडगर एलन पो का चेहरा था। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे तो लगता है कि ये कैटरपिलर एडगर एलन पो का पुनर्जन्म है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत बार रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। कुछ लोग इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं और मेरी तरह कुछ लोग जो कितने बार भी ट्राई करने पर इसे सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के इतने डिफरेंट तरीके हैं और मैं ठहरा नल्ला जो इतने सारे वेज में से एक को भी नहीं कर सका। फैक्ट नंबर 4, देखने से ऐसा लगता है कि ये एक फीनिक्स है पर एक्चुअली में ये एक इरप्शन है जो माउंट एटना पर हुआ है, लेकिन ये देखने से ऐसा लगता है कि फीनिक्स आसमान में उड़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि रेड फ्लैट बार्क बीटल्स जो होते हैं वो -150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं? मैं -150 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता हूँ, तो होना मैं स्ट्रॉन्ग। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो डॉक्टर्स वीडियो गेम्स खेलते हैं वो ऑपरेशन के टाइम पर कम मिस्टेक्स करते हैं? रिसर्चर्स का ये कहना है कि वीडियो गेम्स आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, विजुअल अटेंशन और डेप्थ परसेप्शन को इम्प्रूव करते हैं। पर क्या हो अगर एक डॉक्टर BGMI से एडिक्ट हो तो? डॉक्टर, कुछ गुंडों ने मेरा पैसा चुरा लिया और मेरे पैर पर गोली लगी है। अरे कोई तो मेडकिट दो रे इसे। फैक्ट नंबर 1, तो ये जानवर दिखने में इतना क्यूट है पर ये एक्चुअली वेनमस होते हैं और इनकी बाइट आपकी जान ले सकती है। इस जानवर का नाम स्लो लॉरिस है और मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि इनकी बाइट वेनमस होती है और ये इंसानों की जान भी ले सकते हैं, इसीलिए आपको इस जानवर से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और थोड़ी और रिसर्च करने से मुझे ये पता चला कि वो स्पेक्टेकल्ड कोबरा की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इमेजेस में आप देख ही सकते हो। तो स्लो लॉरिस एक इम्पोस्टर है जो स्पेक्टेकल्ड कोबरा की नकल करता है, यहाँ तक कि वो अपनी सिर के ऊपर हाथ रखते हैं ताकि वो एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा जैसे दिख सके। लेकिन इनका गेम तब खत्म होगा जब एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा खुद इनके सामने आ जाए। जानवर जो कुदरत के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।